हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत खास, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे की तरफ से आरपीएफ की एसआईएन कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ उसी को लेकर, एक ताजा अपडेट के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेलवे के अंदर जो आरपीएफ होता है उसमें एसआईएन कांस्टेबल के लिए क्या सब रिक्रूटमेंट के अंदर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, मतलब ओवरऑल हर डिटेल आपको बताने वाली हूं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। तो चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया है कि रेलवे कांस्टेबल एंड एसआई की रिक्रूटमेंट आई है, तो एसआई की जो पोस्ट है उसके लिए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2000 से लेके आपका 5000 तक इसमें सीट देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग आरपीएफ एसआई के ऊपर यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फॉर्म की जो फी रहेगी एसआई के पोस्ट के लिए, जनरल ओबीसी से 500 रुपीज लिया जाएगा एंड अदर्स से लिया जाएगा 250 रुपीज। एज लिमिट मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स। रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससीएसटी को मिलता है 5 इयर्स का। एलिजिबिलिटी में अगर आप देखोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सिंपली अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, डजंट मैटर आपका क्या परसेंटेज है, आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो चलिए, एसआई की पोस्ट का पहले हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है फ्रेंड्स कि आपको चार स्टेज से गुजरना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है रिटन एग्जाम, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। फिर पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, देन पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसमें आपका जो है शारीरिक माप लिया जाता है। उसके बाद डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि जो आपका सबसे फर्स्ट सिलेक्शन की जो स्टेज होती है रिटन एग्जाम, उसका क्या पैटर्न रखा गया है। 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे। टाइम रहेगा 90 मिनट्स, डेढ़ घंटे में कंप्लीट करना होगा पेपर। निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3 का। और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। आप अगर ओवरऑल देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस है, तो आपको ना उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आपका पीएसटी, जिसमें हाइट की मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल एंड अदर्स के लिए, एससीएसटी कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड रहेगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर, एससीएसटी के लिए 152 सेंटीमीटर। उसके बाद होगा लॉन्ग जंप टेस्ट, जिसमें 12 फीट का मेल के लिए एंड आपका 9 फीट का फीमेल्स के लिए रहेगा। हाई जंप रहेगा 3 फीट 9 इंच मेल कैंडिडेट्स एंड 3 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। देन होगी आपकी रनिंग की कैपेसिटी, यहाँ पर जो आपका पीईटी होता है उसमें रनिंग टेस्ट होगा। 1600 मीटर का रनिंग होगा मेल कैंडिडेट्स को, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो ये तो हो गया आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग। अब हम लोग समझ लेते हैं आरपीएफ में कॉन्स्टेबल के रिगार्डिंग क्या सब कुछ रहने वाला है। कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट है इसके लिए आप मान के चल सकते हैं कि आपका 8000 टू लेके आपका 10000 तक सीट्स यहाँ पर आने वाली है। बम्पर नंबर की वैकेंसी आएगी, इसमें आपको जो फॉर्म का फी है जनरल ओबीसी 500 रुपीज, अदर से लिया जाएगा 250 रुपीज। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स आपका एज रखा गया है यहाँ पे। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड एससीएसटी को मिलता है 5 इयर्स का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी बिच मीन्स कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए, कॉन्स्टेबल के लिए जनरली 10th पास आउट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ पास आउट बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म।
रही बात की सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी, तो इसमें भी आपको चार स्टेज से होके गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, विच मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा आपको पास करनी होगी। उसके बाद पीईटी मतलब कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएमटी फिजिकल आपका मेजरमेंट टेस्ट, तब आपका डीवी होता है। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टेज को देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रखा गया है। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के लिए टाइम मिलेंगे आपको 90 मिनट्स के। निगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3 का। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली सब्जेक्ट है वो आपको जीके जीएस होने वाली है। तो मेनली आपको ज्यादा, अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो रेलवे में जो होता है ना बेसिकली इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं होता है, और जीके जीएस पे ज्यादा मेजर आपको फोकस करना होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेज समझ लेते हैं कि इसमें फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। हाइट सबसे पहले मेजर होती है। मेल कैंडिडेट जनरल एंड अदर्स का मिनिमम 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी का जो मिनिमम हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए जनरल एंड अदर्स का मिनिमम 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी का 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। देन होगा चेस्ट का मेजरमेंट्स ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 80-85 सेंटीमीटर। रनिंग होती है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर के, आपको 5 मिनट और 45 सेकंड में इसको कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है जो कि उनको 3 मिनट और 45 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। हाई जंप भी रहेगा 4 फीट का एंड फीमेल्स के लिए रहेगा 3 फीट का। लॉन्ग जंप फॉर मेल 14 फीट एंड फीमेल्स 9 फीट। सो आई होप कि ये सारी डिटेल आप समझ गए होंगे। रही बात सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था इसके रिगार्डिंग कि बहुत जल्द ये फॉर्म आपको जो है अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है विभाग के अंतर्गत, ऐसा न्यूज सुनने में आ रहा है कि आपका ये फॉर्म बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अक्टूबर के लास्ट से लेके आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में ना ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बताने का मोटो सिर्फ इतना है कि अभी से आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। सीट भले ही 8000 आए, 10000 आए, आपको अपना एक सीट अचीव करना है, इसके लिए आप तैयारी करो। तो अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आती हो, मैं जो समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अदरवाइज कमेंट करके आप जरूर बताना अगर समझने में कोई आपसे दिक्कत हो रही हो, और अगर इससे नोटिफिकेशन वगैरह इन पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जानना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर लेना। और मेरी वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक भी कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।